सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम डॉक्टर लूनेस कुमार वर्मा, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपेरी, जिला रायपुर मध्य अहम पदस्थोस्मि। अद्य वयम पठामः नवम्याः कक्षायाः पञ्चमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम्। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं रामायण और महाभारत ये दोनों भारतीय संस्कृति में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों ग्रंथों को उपजीव्य ग्रंथ भी कहा जाता है। इनको उपजीव्य ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि रामायण और महाभारत में जितने प्रसंग आते हैं उन प्रसंगों पर आधारित अनेक ग्रंथों की रचनाएं निरंतर हो रही हैं। इसलिए इन ग्रंथों को, रामायण और महाभारत को, उपजीव्य ग्रंथ कहा जाता है। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं वह पाठ महाभारत के एक अंश पर आधारित है। महाभारत की कथा आप सभी जानते हैं। महाभारत में जब पांडवों को वनवास हुआ था और वनवास पश्चात एक वर्ष का अज्ञात का वनवास पश्चात एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उस समय पांडव जो है विराट नगर में छुप कर रह रहे थे, अपना वेश बदल कर रह रहे थे, अपनी पहचान बदल कर रह रहे थे। उस अज्ञातवास के अंतिम समयों में कौरवों को यह पता चलता है कि पांडव संभवतः विराट नगर में छुपे हुए हैं। यह सोचकर वे विराट नगर की गायों का हरण कर लेते हैं और विराट नगर पर आक्रमण कर देते हैं। इससे क्षुब्ध होकर विराट नरेश अपने पुत्र उत्तर को उन कौरवों का सामना करने के लिए भेजते हैं। ऐसे में अर्जुन जो वहां गृहनला के रूप में रहे थे वे उनके सारथी बनकर उस युद्ध में जाते हैं और समस्त कौरवों को वे परास्त कर देते हैं। इसी प्रक्रम में अभिमन्यु जो कौरवों की ओर से युद्ध कर रहा था वह पकड़ा जाता है, उन्हें महाराज विराट के सभा में उपस्थित किया जाता है। अब वहां महाराज विराट की सभा में विहन्नला और विहन्नला अर्थात अर्जुन और भट्ट अर्थात भीमसेन ये दोनों उस बालक अभिमन्यु से कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, किंतु अभिमन्यु जो युद्ध में पकड़ा गया था, गृहित किया गया था, इस कारण से वह उनसे बात नहीं करना चाहता है। लेकिन विहन्नला अर्थात अर्जुन इस बात को भली भांति जानता था कि यह जो पकड़ा गया है अभिमन्यु, यह मेरा अपना पुत्र है और चूंकि उनसे बहुत लंबे समय पश्चात उनकी भेंट हुई इसलिए वे उनसे बात करने के लिए व्याकुल होते हैं, लेकिन अभिमन्यु बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। तो इस समय का यह प्रसंग जो है इसको महाकवि भास ने पंचरात्रम नामक नाटक में उद्धृत किया है और आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का शीर्षक है प्रत्यभिज्ञानम। और यह प्रत्यभिज्ञानम पाठ जो है यह पंचरात्रम नामक नाटक का ही एक अंश है। आइए इस पाठ के बारे में जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है इसे पहले सुनते हैं। पंचमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम्। भटः जयतु महाराजः। अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः। अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गतः। कथमिदानीं गृहीतः। रथमासाद्य निशंकं बाहुभ्याम अवतारितः। इतः कुमारः। भो कोनु खल्वेशः येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीडितः अस्मि। इतः कुमारः। अये अयं परः कः विभात्युमावेशमीवासितो हरः।
आर्य अभिभाषण कौतूहलम मे महत् वाचाल्यत्वेन मार्य बाढ़म अभिमन्यु अभिमन्युर्नाम रूस्यतेस मया त्वमे वैनम अभिभाषय अभिमन्यो कथम कथम अभिमन्युर्नाम हम भो किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूताः नीचैः अपि नामभिः अभिभाषयन्ते अथवा अहम् शत्रु वंशम गतः अभिमन्यो सुखमास्ते जननी कथम कथम जननी नाम किम भवान मे पिता अथवा पितृव्यः कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगतां कथां पृच्छसे अभिमन्यो अपि कुशली देवकी पुत्रः केशवः कथम कथम तत्र भवन्तमपि नामना अत्किम अत्किम उभौ परस्परम अवलोकयतः कथमिदानीं सा विज्ञमिव माम हस्यते न खलु किञ्चित् पार्थं पितर्मुद्दिश्य मातुलं च जनार्दनं तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय अलम स्वच्छंद प्रलापेण अस्माकं कुले आत्मस्तवं कर्तु मनुचितं रणभूमौ हतेषु शरण पश्य मद्रिते अन्यत् नाम न भविष्यति एवं वाक्य शौंडीर्यं किमर्थं तेन पदातिना गृहीतः अशस्त्रं मां भिगतः पीतरं अर्जुनं स्मरण अहं कथं हन्याम अशस्त्रेषु मादृशाः न प्रहरन्ति अतः अशस्त्रोऽयं मां वञ्चित्वा गृहीतवान् त्वर्यतां त्वर्यतां भिमन्यो इत इतः कुमार एष महाराज आह कस्य महाराजः एहि पुत्र कथम न माम अभिवाद्यसि आत्मगतम अहो उत्सिक्तः खल्वयम् क्षत्रिय कुमार अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि प्रकाशम अथ केनायम गृहीतः महाराज मया अशस्त्रेण नेत्यभिधीयताम् शान्तं पापम् धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम् मा तावत् भोः किं भवान् मध्यमः तातः यः तस्य सदृशं वचः वदति ततः प्रविशत्युत्तरः तात् अभिवादये आयुष्मान् भव पुत्र पूज्यतमस्य क्रियतां पूजा पूजिता कृतकर्माणो योध पुरुषा पूज्यतमस्य क्रियतां पूजा पुत्र कस्मै इहात्र भवते धनंजयाय व्यपनयतु भवांक्षकाम अयमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजयः यद्यहम् अर्जुनः तर्हि अयम् भीमसेना अयम् च राजा युधिष्ठिरः इहात्र भवन्तो मे पितरः तेन खलु इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति सर्वे च तम् आलिङ्गन्ति प्यारे बच्चों अभी हमने पाठ सुना प्रतिभिज्ञानम आइए अब इस पाठ के अंशों को समझते हैं प्रस्तुत पाठ भास रहित पंचरात्र नामक नाटक का अंश है इसमें महाभारत के विराट पर्व की कथा है अपने अज्ञात वास में पांडव वेश बदलकर राजा विराट के राज्य में रह रहे थे दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का
अपहरण कर लिया। राजा विराट का पुत्र उत्तर है, वह वृहन्नला के छद्मवेश में रहने वाले अर्जुन को अपना सारथी बनाता है और कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौरवों की ओर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ के छद्मवेश में रहने वाले भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उनसे उग्र होकर बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है। वह अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का रहस्योद्घाटन करता है। तो यह प्रसंग है इस नाट्यांश का। ध्यान दीजिएगा, यह पाठ जो है एक नाट्यांश है। जब हम बात करते हैं नाट्यांश की, तो जितने नाट्यांश होते हैं इनमें विभिन्न पात्र होते हैं, और जो नाट्यांश होता है या नाट्य होता है इसका रंगमंच पर मंचन भी किया जाता है। तो यह जो पाठ है इसका रंगमंच पर मंचन भी किया जा सकता है। तो विभिन्न पात्र हैं, रंगमंच पर आते हैं और अपने अपने जो संवाद हैं उनको वे बोलते जाते हैं। साथ ही इस पाठ में हम कुछ ऐसे भी दृश्य देखेंगे जहां अब देखेंगे, यदि नाट्यांश को हम देखते हैं तो वहां कुछ चीजें कोष्टक में लिखे हुए मिलेंगे। जैसे कोष्टक में लिखा हुआ यदि मिलता है कि प्रकाशम, प्रकाशम का तात्पर्य होता है प्रकट में, अर्थात रंगमंच पर आया हुआ कोई पात्र यदि मन में कोई बात सोचता है और सोचने के पश्चात वह बोलता है तब इसको हम कहेंगे प्रकाशम। लेकिन वह केवल मन में कुछ बातों को सोचता है और इसके हमें रंगमंच में दिखाना है तब इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है आत्मगतम या स्वगतम, अर्थात अपने मन में अपने आप से वह बात करता है। तो इस तरह के जो दृश्य होते हैं ये रंगमंच के एक आवश्यक पहलू हैं। ऐसे दृश्य हमें इस नाट्यांश में भी देखने को मिलेंगे। तो आइए हम नाट्यांश में अलग अलग पात्र हैं, वे पात्र मंच पर आते हैं और अपनी अपनी भूमिकाओं को, अपने संवाद को वे अभिव्यक्त करते जाते हैं। तो सबसे पहले मंच पर आते हैं भटः, भट अर्थात सैनिक आता है और कहता है जयतु महाराजः, जयतु अर्थात जय हो, महाराजः महाराज की अर्थात महाराज की जय हो, ऐसा वह भट कहता है। यह स्वाभाविक भी होता है। यदि हम पौराणिक कथाओं की बात करते हैं, राजा महाराजाओं की कथाओं की बात करते हैं, तो जितने उनकी प्रजागण होते हैं वे जब राजा के समक्ष आते हैं तब सबसे पहले राजन का अभिवादन करते हैं। वैसे भी हमारी भारतीय परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति में ये तत्व निहित है कि जब हम अपने से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के समक्ष जाते हैं तब उनका उचित अभिवादन करते ही हैं। तो ऐसे ही भटः अर्थात भट जो है आता है, कहाँ आता है, राज दरबार में आता है और राजा के समक्ष जब वो आता है तो राजा का निश्चित रूप से अभिवादन करता है। तो भट अभिवादन करते हुए कहता है जयतु महाराजः, महाराज की जय हो। तो ऐसा कहकर वह महाराज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अब भट के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर राजा जो है वो उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः, अपूर्व एव ते हर्षो अर्थात तुम्हारे चेहरे पर जो हर्ष प्रसन्नता दिखाई दे रही है वो कैसा है, वह अपूर्व इव अर्थात अनोखे के समान है, ऐसा जैसा प्रसन्नता अभी दिखाई दे रही है वैसी प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही कम दिखाई देती है, ऐसी जो प्रसन्नता है केनासि विस्मित, ब्रूहि अर्थात बोलो या कहो केनासि किस कारण से, केन असि किस कारण से विस्मितः अर्थात इतने आश्चर्यचकित हो, विस्मित हो, इतने प्रसन्नचित किस कारण से हो, तुम ये अपनी बात कहो, ऐसा राजा जो है भट से कहते हैं। अब राजा जब ऐसा कहते हैं तब भट जो है राजा को प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं
अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गतः। अर्थात जो श्रद्धा के युक्त नहीं है ऐसे प्रिय सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को ग्रहण कर लिया गया, अर्थात उसको पकड़ लिया गया है। देखिए यहां हो क्या रहा था, विराट की सेना और कौरवों की सेना में युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में से अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है, और तो इसलिए जो शत्रु दल है इसके लिए अश्रद्धेयम कहा गया है। जो श्रद्धा के श्रद्धेयम मतलब होता है जो श्रद्धा के योग्य हो, अश्रद्धेयम मतलब जो श्रद्धा के योग्य न हो। तो अश्रद्धेयम जो श्रद्धा के योग्य नहीं है किंतु जो प्रिय है, जो वांछित है, जिनकी हमको आवश्यकता थी, उसको किसको, सौभद्रो, सौभद्रो कहा गया है सुभद्रा पुत्र अर्जुन के लिए। तो सौभद्रो ग्रहणम गतः, वह पकड़ लिया गया है। तब राजा कहते हैं कथमिदानिम गृहीतः, किस प्रकार से इस समय वह पकड़ लिया गया है। इदानी मतलब होता है इस समय, कथम दहन इदानी इति कथम इदानीम, यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। कथम मतलब कैसे, इदानी मतलब इस समय, गृहीतः मतलब पकड़ लिया गया, कैसे वह इस समय पकड़ लिया गया है। भटः भट कहता है रथमासाद्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः। रथम आसाद्य का मतलब होता है पहुंचकर, रथ के पास पहुंचकर निशंकम शंका रहित तो होकर बाहुभ्याम अर्थात दोनों भुजाओं से अवतारितः पकड़कर वह उतार लिया गया है, अर्थात उसको ग्रहण कर लिया गया है। प्रकाशम प्रकट में कहता है इतः कुमारः, भट जो है अब उस कुमार को भी संकेत करते हुए कहते हैं इत कुमारः, महाराज सामने है, इनके सामने इस तरह से ऐसे घूम के आओ, ऐसा भट जो है उस कुमार अभिमन्यु को कहते हैं। अब अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु भो को नु खल्वेशः, हे कौन है ये खल्वेशः, खलुधन एषः इति खल्वेशः, यहाँ पर यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। खलु यह निश्चय वाचक अव्यय पद है और एषः का मतलब होता है यह, कौन है यह अर्थात ये कौन है। येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीडितः अस्मि, येन जिसके द्वारा भुजैक नियंत्रितो, भुजाधन एक नियंत्रितः बल अधिकेन धन अपि अर्थात भुजाधन एक, यहां पर वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, और नियंत्रितो बलाधिकेन, तो नियंत्रितो ये जो ओ की मात्रा है ये विसर्ग में बदल जाएगा, तो यहां पर भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि, ये पूरा पद है, इस पूरे पद का हम संधि विच्छेद करें तो भुजा धन एक नियंत्रितः धन बल धन अधिकः अधिकेन बल धन अधिकेन धन अपि, तो भुजा धन एक यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि, और एक नियंत्रितः धन बल यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ, बल धन अधिकेन यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ, और अधिकेन धन अपि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ। तो येन मतलब जिसके द्वारा भुजा का मतलब होता है भुजा या बाहु, एक नियंत्रितो एक भुजा से ही, नियंत्रितो मतलब नियंत्रित कर लिया गया अर्थात पकड़ लिया गया, बल अधिकेन अपि बल अधिक होने पर भी उस एक भुजा से जिसके मैं पकड़ लिया गया उस एक भुजा में बल अधिक होने पर भी न पीड़िता अस्मि, मैं पीड़ित नहीं हुआ हूं अर्थात मुझको पीड़ा नहीं पहुंची है, मुझको दुख नहीं पहुंचा है, अर्थात जिसने मुझको पकड़ा है बलपूर्वक पकड़ा है जकड़ लिया है लेकिन फिर भी मैं पीड़ित नहीं हुआ, मैं दुख का अनुभव करने वाला नहीं हुआ हूं। अब वृहन्नला कौन है, ये है अर्जुन जो है वहां राजा विराट के नगर में वृहन्नला के रूप में रह रहे हैं। तो वृहन्नला कहते हैं इतः कुमारः, यहां आओ कुमार अभिमन्यु, ऐसा
मृगनला रूपधारी अर्जुन जो है अभिमन्यु से कहते हैं। अब अभिमन्यु कहता है, आये अयम अपरः कः विभात्युमावेशमीवाश्रितो हरः। आये अरे अयम धन अपरः इति अयम परः, यहां पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अयम मतलब यह, अपरः मतलब दूसरा, कह मतलब होता है कौन, विभाति धन उमा वेशम इव आश्रितः हरः। विभाति धन उमा, यहां पर यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, और उमा वेशम इव, यहां पर उमा वेशम धन इव, यहां व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। इव धन आश्रितः, यहां पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। आश्रितः धन हरः, यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो अये अयम अपरः कः, यह दूसरा कौन है, विभाति जो प्रतीत हो रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, कैसे, उमा वेश, उमा का वेश धारण किया हुआ, इव उमा के समान वेश धारण किए हुए, आश्रितो हरः, यह उमा का वेश धारण किया हुआ, यह शिव जैसा दिखाई देने वाला दूसरा कौन है, ऐसा अभिमन्यु उस बृहन्नलग को देखकर कहते हैं। अब बृहन्नलग अर्थात अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्य अभिभाषण कौतूहलम मे महत, अर्थात आर्य, हे आर्य अभिभाषण कौतूहल अर्थात बात करने की उत्कंठा मे मतलब मुझे, महत बड़ी अर्थात मुझे इस कुमार अभिमन्यु से बात करने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। वाचाल्यत्वेन मार्यः, वाचालयेन वाचालयतु धन एनम धन आर्यः इति वाचालयत्वेन मार्यः। वाचालयतु अर्थात आर्य इसे कुछ बुलवाइए, तो कुछ बोले तो मैं इसकी वाणी को सुनने के लिए इच्छुक हूं। तो वाचालयतु एनम, एनम मतलब इसको, आर्य हे आर्य इसको कुछ बुलवाइए तो, अर्थात यह कुछ बोले तो, क्योंकि बड़े दिनों बाद इस बालक को मैं देख रहा हूं। अब ऐसा कहने पर भीमसेन कहते हैं, अपवार्य बाढ़म, फिर कहते हैं अपवार्य मतलब हटाकर, बाढ़म ठीक है, प्रकाशम अर्थात प्रकट रूप में कहते हैं, अभिमन्यु ऐसा भीमसेन कहते हैं। अब भीमसेन के द्वारा इस प्रकार से अभिमन्यु को नाम लेकर पुकारे जाने पर अभिमन्यु की क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए देखते हैं। अभिमन्यु कहता है, अभिमन्युर्नाम, अब अभिमन्यु आश्चर्यचकित होता है। क्यों आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि भीमसेन जो वहां भट्ट के रूप में है, वह उस अभिमन्यु को अर्थात अभिमन्यु क्षत्रिय वंशी है, और उस समय भारत में वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था के कारण जो निम्न श्रेणी के जो लोग होते थे, वे लोग उच्च श्रेणी के लोगों को नाम से नहीं पुकार सकते थे। तो भट्ट अर्थात एक साधारण सिपाही, और छत्री अर्थात जो रथधारी सैनिक हैं, सिपाही हैं, महारथी हैं, तो उन महारथियों का नाम सैनिक जो हैं वे नहीं ले सकते हैं। लेकिन भीमसेन जब अभिमन्यु को उनके नाम से संबोधित करते हैं, तब अभिमन्यु जो है तिल मिलाते हुए कहते हैं, अभिमन्यु नाम, क्या तुमने मुझे अभिमन्यु नाम से पुकारा। तो अभिमन्यु के द्वारा इस तरह से रोष प्रकट किए जाने पर भीमसेन कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। रुष्यत्येष मया त्वमेवैनमभिभाषय, रुष्यति धन एष अर्थात यहां पर यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ, रुष्यति धन एष धन मया, एष धन मया, यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है।
त्वं धन एव धन एनम धन अभिभाषय। यहाँ पे यह भी संधि युक्त पद है, तो त्वं मतलब तुम, एव एव का मतलब होता है ही, तो त्वं एव त्वमेव ये क्या हो गया, यहाँ पर व्यंजन संधि हुआ। त्वमेव धन एनम अर्थात त्वमेवैनम, एनम मतलब होता है इसको, अभिभाषय अर्थात बोलवाओ। रुष्यत्येषः यह तो मुझसे रुष्ट हो रहा है, क्रोध कर रहा है। मया मुझसे, यह अभिमन्यु मुझसे क्रोध कर रहा है। त्वम एव एनम अभिभाषय तुम ही इसे कुछ बुलवाओ, यह मुझसे बात करने वाला नहीं है, मेरे कहने पर यह बात नहीं करेगा। इसलिए वह अर्जुन भीमसेन जो अर्जुन की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वम एव एनम अभिभाषय तुम ही इसे कुछ बुलवाओ। अब विहन्नला विहन्नला रुधारी अर्जुन कहते हैं अभिमन्यो अर्थात अभिमन्यु, तब अभिमन्यु कहता है, क्या कहता है, पुनः रुष्ट हो जाता है, बड़े क्रोध से कहता है, कथम कथम अभिमन्युर नाम हम भो किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद भूताः नीचे अपि नाम भी है अभिभाषयन्ते अथवा अहम शत्रु वंशम गतः अतएव तिरस्कृतते। इस तरह से रुष्ट युक्त वचनों से अभिमन्यु कहता है, क्या कहता है, कथम कथम कैसे कैसे अर्थात ऐसा कैसे हो सकता है, क्या, अरे मैं क्षत्रिय वंशी हूँ और क्षत्रिय वंशियों का इन सैनिकों के द्वारा, इन चाटुकारों के द्वारा इस तरह से मेरा नाम लेकर पुकारा जा रहा है, अभिमन्यु नाम हम, अरे अभिमन्यु नाम से मुझको पुकार रहे हैं। भो हे किमत्र किम धन अत्र इति किमत्र, किम मतलब होता है क्या, अत्र मतलब यहाँ, अत्र जो है अव्यय पद है, स्थानवाचक अव्यय पद है, तो किमत्र क्या यहाँ विराट नगरे विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूताः क्षत्रिय वंश में जो उत्पन्न हुए हैं उनका नीचे ही है, नीच लोगों के द्वारा भी, निम्न श्रेणी के जो लोग हैं उनके द्वारा भी, नीचे ही अपि नीच लोगों के द्वारा भी नाम भी है, नाम के द्वारा, नामों के द्वारा अर्थात नीच लोगों के द्वारा जो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न है उनका क्या इसी तरह से नामों से अभिभाषयन्ते नाम लेकर उन्हें पुकारा जाता है, अथवा या अहम शत्रु वंशम गतः, इस समय मैं, अहम मतलब होता है मैं, शत्रु वशम अर्थात शत्रु के वश में गतः आ गया हूं, इसलिए मुझका मेरा अपमान करने के लिए क्या इस तरह से इन नीच लोगों के द्वारा, ये छोटे लोगों के द्वारा नाम लेकर मुझे पुकारा जा रहा है। अतएव तिरस्क्रियते, क्या इसी कारण से मैं इन लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया हूँ, गृहित कर लिया गया हूँ, युद्ध में बंदी बना लिया गया हूँ, इसलिए क्या मेरा तिरस्कार करने के लिए इन नीच लोगों के द्वारा मेरा नाम लेकर पुकारा जा रहा है। अतएव तिरस्क्रियते, क्या इसीलिए मेरा तिरस्कार या मेरा अपमान किया जा रहा है।